दुनिया भर में नदियां जब अपनी यात्रा पर निकलती हैं, तो वो अकेले नहीं चलती, उनके संग चलती है जिंदगी, और उनके किनारे बसते हैं शहर, जैसे कभी यमुना किनारे बसा ये शहर दिल्ली। वैसे तो कहते हैं अभी दिल्ली दूर है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए अब दिल्ली दूर नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि रग रग में गंगा सीजन 2 में मैं सिर्फ गंगा के संग नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदियों के साथ में भी सफर कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं अपनी पावन यमुना के साथ पहुंच गया हूं दिल्ली। दिल्ली नाम सुनते ही प्रशासन, हुकूमत, ताकत, इतिहास, संस्कृति, खान पीन और न जाने कितनी और चीज़ें जहन में आती हैं। तो अगर मैं चाहता तो दिल्ली का अपना यह सफ़र किसी भी प्रतिष्ठित स्थल से या किसी भी प्रख्यात जगह से कर सकता था, लेकिन मैं अपने दिल्ली का सफ़र शुरू कर रहा हूँ एक ऐसी जगह से जहाँ से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती हैं। यह जगह बहुत ही प्रख्यात या बहुत ही प्रतिष्ठित तो नहीं है, लेकिन मेरी नज़रों में दोनों होना चाहिए और उसके साथ साथ जगह की कद्र भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जगह दिल्ली के लिए बहुत अहम है और दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा रहम है। इस कड़ी में दिल्ली की शुरुआत होगी यमुना के साथ और बिताऊंगा यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में कुछ रोचक पल। होगा शांति और इंसानियत का पाठ गुरु तेग बहादुर की शहादत को समर्पित गुरुद्वारा सीसगंज में। चांदनी चौक के मशहूर पराठों और रबड़ी जलेबी का चखूंगा लाजवाब स्वाद। माइंड ब्लोइंगली स्पेशल। यमुना को साफ करने में जुटे युवा सिपाहियों से होगी एक प्रेरणादायक मुलाकात। होगी मुलाकात जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ। देखूंगा शानदार हुमायूं टूम, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सुंदर नर्सरी के बागों में बीतेगी एक सुंदर शाम। होंगे दीदार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। मेरठ से राजधानी दिल्ली का फासला लगभग 108 किलोमीटर का है। ये बहता पानी, आसमान में उड़ते पंछी और हर तरफ फैली ये हरियाली। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क एक प्राकृतिक धरोहर है जो यमुना के पश्चिमी किनारे पर वजीराबाद में स्थित है और करीबन 457 एकड़ में फैला है। यहां पर लगभग 2000 अलग अलग जाति के पेड़ पौधों और वनस्पतियों का बसेरा है। फॉर अ लेमैन, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से वेटलैंड? Wetlands are those low-lying areas which hold water at least for some time in a year. In a year. And have a characteristic plant species. So why is it said that it is very important to save the wetlands? These wetlands store a large amount of surface water. Yeah. And recharge what you call groundwater. Yeah. When during the lean period, when the main channel of the river has a less water, this water feeds the river. Oh, is that important? Yes. Yeah. Now, for example, this wetland is connected to the Yamuna River. Hmm. And when the river water in the Yamuna decreases, this water flows. And when the water level high in the Yamuna, that water comes here and stores it. That the river Yamuna is a part of the Ganga basin. Yeah. By rejuvenating the river Yamuna, you are also water automatically rejuvenating Ganga. Correct. And why are the wetlands diminishing? Why are they, is it because of us that we are eating into the wetlands? The floodplain wetlands are filled up with a solid waste and encroached. Delhi used to have thousands of wetlands. Hmm. And today just only 237 wetlands. And that too, they are in a highly degraded state. Now you can see this wetland. It was also degraded. We restored it within 1 year
And then 2 years after restoration, we have 5,000 to 7,000 migratory birds from Europe, China, Siberia, and many other countries. So basically, ये कह रहे हैं कि हमारा जो wetlands हैं ये एक किस्म का खजाना है अच्छे स्वच्छ पानी का. ये अगर पानी का ग्राउंड लेवल आपके शहरों में कम होता है तो यहाँ से पानी का सप्लाई आपको मिल सकता है. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ से ऑक्सीजन, वेरी ग्रीन जोन राइट इन द मिडल ऑफ दिल्ली. सो वेटलैंड्स हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें इन वेटलैंड्स को बचाना है. वजीराबाद से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और फिर 22 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली से रुखसती लेती है. गुरु तेग बहादुर जी को नमन करता सीसगंज गुरुद्वारा. मैंने गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले गुरु तेग बहादुर साहिब के 3 शिष्यों की शहादत को प्रणाम किया. इनकी शहादत की याद में गुरुद्वारे के बाहरी भाग में एक मेमोरियल भी बनवाया गया है. दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक में स्थित इस गुरुद्वारा शीशगंज ने आज भी सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत को जीवित रखा हुआ है. किसी और के धर्म के लिए अपना शीश चढ़ा देना, ये काम सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है और ये बात सिर्फ एक गुरु ही सिखा सकता है. ये जो हल्की हल्की आपको पीछे गुरुबानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर इस गुरुबानी का अर्थ हम समझेंगे यकीन मानिए खुद पर एक उपकार करेंगे. सत्रह सौ तिरासी में सरदार बघेल सिंह ने सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की याद में गुरुद्वारा सीसगंज का निर्माण करवाया था. सेवा, सिमरन और शांति का यह स्थान सिखों को ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है. यहाँ का शांत वातावरण और भेदभाव के बिना सेवा हमें गुरुओं के पथ पर जीने का आह्वान करती है. गुरुद्वारा शीशगंज का एक अलग स्थान है, एक अलग महत्व है, तो इसका इसके पीछे का इतिहास क्या है? इसके पीछे का इतिहास ये है कि औरंगजेब ने उस टाइम ये सोचा हुआ था कि मैं इस देश के सभी लोगों को इस्लाम में लाऊंगा, और उसके लिए उसने हर तरीका अपनाया था. तो कश्मीर के ब्राह्मणों पे जिस टाइम जुल्म हुआ तो कश्मीरी ब्राह्मण आ गए गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आनंदपुर. दुखी बिपर सो चल आए पुरी, आनंद बहा साड़ी पकड़ी हर गोविंद के नंद. तो तेग बहादुर बोलिया कि मैं आपकी बहा पकड़ रहा हूँ और मेरा वादा है आपसे कि मुझे अपना सिर भी देना पड़ा मैं आपकी बहा नहीं छोड़ूंगा, पर आप भी एक वादा करो, आप अपने हिंदू धर्म में पक्के रहेंगे. जाके कह दो हुकूमत को कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब अपना धर्म छोड़ देते हैं तो हम भी छोड़ देंगे. यहीं पर आए, जब बादशाह के साथ मुलाकात होगी और उन्होंने 3 शर्तें रखी, या तो करामात दिखाओ या धर्म छोड़ दो, नहीं तो फिर सिर देने के लिए तैयार हो जाओ. गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा करामात हम दिखाएंगे नहीं, धर्म अपना हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ तीसरी बात जो है शीस देने की हम तैयार हैं. तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यहाँ पे शीस दिया और अगर परमात्मा को भाएगा तो शीस उतरेगा नहीं, शीस कायम हो जाएगा. शीस उतरा कहाँ है? शीस तो शीसगंज साहब के रूप में कायम हो गया है. बहुत खूब. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का. सत श्री अकाल. खालसा फतेह. आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ. हम बचपन में गुरुद्वारे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए जाया करते थे. इसको पैदा होते ही ना जिसके नहीं भी दांत होंगे वो भी इसको शकेगा, और जो बुढ़ा से बुढ़ा होएगा वो भी शकेगा. इसको परंपरा ऐसी गुरु नानक देव महाराज ने चलाई है. जी वही प्रसाद, वही खुशबू, वही स्वाद. आगे उठाऊंगा भरपूर स्वाद चांदनी चौक के मशहूर पकवानों का. होऊंगा शामिल यमुना नदी के सफाई अभियान में. जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुझे बताएंगे कैसे हो रहे हैं गंगा को बचाने के प्रयास. चांदनी चौक, जिसे आप दिल्ली का दिल भी कह सकते हैं, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने करवाया था. जहां आरा ने यहां पानी का एक हौज बनवाया था जिसको चांदनी रात में देखने का एक अलग ही नजारा होता था.
इसी वजह से ये चांदनी चौक के नाम से जाना जाने लगा। दिल्ली का ऐतिहासिक चांदनी चौक, सामने लाल किला और ये चांदनी चौक, खरीदारों के लिए ये एक गढ़ है, एक मंडी है, जो आप सोचेंगे आपको यहाँ मिलेगा। खाने का सामान मिलता है, दिवाली का सामान मिलता है, होली का सामान मिलता है, साइकिल के पार्ट्स मिलते हैं, बिजली का सामान मिलता है। मैंने सही कहा भाई साहब? और क्या क्या है जो मैंने छोड़ दिया वो मिलता है यहाँ पे? कपड़े मिलते हैं, मतलब आप जो सोचेंगे वो आपको यहाँ मिलेगा। बताइए कभी ऐसा हुआ गगन जी कि सवारी ने आपको घुमाया हो? देखिए, अगर आप दिल्ली में चांदनी चौक में आए तो प्लीज अपना हेल्थ प्लान, अपना डाइट प्लान घर छोड़कर आए, क्योंकि आप हर रोज चांदनी चौक आते नहीं है। और चांदनी चौक में कदम कदम पर खाने वालों के लिए तीर्थ स्थल है, जैसे कि जलेबी वाला। तो अच्छा, जलेबी के ऊपर क्या डाला है हमने? ये रबड़ी। थैंक यू सर। अच्छा, ये रेसिपी जो है जी सर, इसमें क्या खास है? सर अगर बता दें तो सिंपल है, नहीं बताएं तो सीक्रेट है। वेरी बेसिक सर। वेरी बेसिक। सी बेसिकली लाइफ की सारी अच्छी चीजों है ना, बहुत बेसिक होती है। कितने तरीके के पराठे खाए आपने याद कीजिए? आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मेथी का पराठा, पनीर का पराठा, प्याज का पराठा। सोचिए सोचिए, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वहाँ 32 किस्म के पराठे बनते हैं, मतलब आपके हर दांत के लिए एक स्वाद है। आपको याद भी होते हैं कौन कौन से पराठे किस तरह के? याद भी है, आलू है, दाल है, गोभी है, मटर है, मूली है, मिक्स है, पराठे, पापड़ है, ड्राई फ्रूट है, किशमिश है, काजू है, बादाम। बस बस सर, बस बस ये बताएं कि कौन सा पराठा सबसे ज्यादा मशहूर है? वैसे सारी मशहूर है, मैं जानता हूं। मशहूर तो सारी है यहाँ पे, तो मिक्स वेज है, ग्रीन चिली है, हिंग जीरा है, पुदीना है। ग्रीन चिली का पराठा? चिली का पराठा, तो एक मिर्ची का पराठा था। मतलब वो रिक्शा चलाना बहुत वर्थ है। अच्छा, सब्जियों का स्वाद भी बहुत अलग है। ये सब्जियाँ सारी बॉइल्ड है, सिर्फ तड़के के लिए घी डलता है बस। क्या बात है, मतलब एक तरफ हेल्दी चीज भी खा रहे हैं। नहीं, कॉम्बिनेशन है ना ये, हर चीज की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, क्योंकि पराठा फ्राइड है, पराठा फ्राइड है तो सब्जियां बॉइल्ड है। भैया साइंसेज के बच्चे, पूरी सोच है। इससे अच्छा डेजर्ट नहीं हो सकता इन पराठों की डिश के साथ में। मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी जा रहा है। आपने ना हलवा खिलाया, ना कुछ और खिलाया, आपने रबड़ी का पराठा बना के डेजर्ट भी खिला दिया। यमुना अगर मुझे दिल्ली लेकर आई तो दिल्ली की इस यमुना को देखकर यूं समझिए आंखें भर आई। यहां पर यह सिर्फ कहने के लिए एक नदी है, देखने से तो ये एक बहता हुआ नाला नजर आता है, लेकिन नमामि गंगे ने दिल्ली में यमुना को बचाने के लिए एक बड़ी पहल की है। नमामि गंगे 2419 करोड़ की 13 परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जो 1385 MLD सुवेज को ट्रीट करेगा। इसके अलावा नमामि गंगे अलग अलग सामाजिक समूहों के साथ मिलकर हमारे उस सपने को जिंदा रखे हुए हैं कि एक दिन यमुना यहां पर फिर एक नदी के रूप में बहेगी और उसकी निर्मलता एक बार फिर हम सबको छुएगी। क्या लगता है आपको, क्या कर रहा हूं मैं? अपनी मदद कर रहा हूं, वो कर रहा हूं जिसे करने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यमुना का तट है? जी हाँ, यमुना का एक अलग चित्र होगा आपके दिमाग में, पर यह हकीकत है। नहीं, ऐसी नहीं थी यमुना, हमने ऐसा बना दिया। जो पर्यावरण को क्षति हम अपनी लापरवाही से पहुँचाते हैं, खुद अपने जीवन को पहुँचाते हैं, उसे ठीक करने के लिए ये नन्हे नन्हे हाथ थोड़े कम हैं। जज्बा यही चाहिए, पर हाथ करोड़ों चाहिए। क्या आप अपना हाथ देने के लिए तैयार हैं? ये आप तय कीजिए, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना हाथ देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, जैसे भावना। तो सबसे पहले ये क्यों और ये ख्याल कहाँ से आया? हमारा एम ये है कि हम बच्चों को और युवाओं को नमामि गंगे प्रोग्राम के साथ जोड़ें। उसके लिए हम लोग एक क्विज करते हैं, जो कि एक ऑनलाइन क्विज है, जिसमें पिछले साल 1 मिलियन प्लस बच्चे जुड़े। जहाँ जहाँ बच्चों से जुड़ते जाते हैं उनको हम यहाँ लेके आते हैं। उनको हम कहते हैं कि आइए आप देखिए कि नदियों के घाट का क्या हाल है। उसको हम कहते हैं मेरी यमुना मेरे घाट। पर्यावरण हमारी सांस है, पर्यावरण से ही हमारा अस्तित्व है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा?
देश की राजधानी दिल्ली, जहां से देश का प्रशासन चलता है, यहां लिए गए फैसले हर हिंदुस्तानी के जीवन को छूते हैं। यहीं इसी दिल्ली में है इंडिया गेट, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। देश की राजधानी में मेरी मुलाकात हुई जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, और पानी की अहमियत के बारे में उनके विचार और प्रयासों दोनों को मैंने समझा। सर, मैं और आप दोनों एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, राजस्थान से, जहाँ पानी की बहुत किल्लत है, तो हम तो पानी की अहमियत को समझते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश का आम नागरिक पानी की अहमियत को समझता है? पश्चिमी राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जहाँ देश की लगभग सबसे कम बरसात होती है, जो कुछ थोड़ी बहुत बरसात होती थी उसके पानी को सहेज करके रखना और उससे साल भर अपना काम चलाना, ये सामान्य संस्कार और संस्कृति का हिस्सा था। लेकिन देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ वो किल्लत नहीं है, इसीलिए वो किफ़ायत भी नहीं है, और इसीलिए वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ा समस्या, ज़मीन से निकलने वाला पानी, जितना हम निकालते हैं, दूसरे और तीसरे पायदान पर खड़े अमेरिका और चाइना दोनों को अगर जोड़ दें तो भी उससे डेढ़ गुना हम विड्रॉ करते हैं। और इस अति दोहन के कारण से हमारे स्रोत लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं, और ज़मीन में पानी या तो समाप्त हो रहा है, या उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, या और गहरे से गहरा नीचे उतरता जा रहा है। इसलिए भूगर्भ के जल को वापस भरना हमारी आज सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक हमने सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर काम किया कि पानी कहाँ से आएगा, लेकिन अब नई सोच के साथ में कि हम डिमांड साइड को मैनेज करें, एक एक बूंद के पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं और वापस हमारे जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए के रखने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस दिशा में हम काम करें। सर, अगर गंगा की बात करें, जितने भी सरकार के जो प्रयास हैं वो मैंने खुद बहुत करीब से देखे हैं, तो अगर ये प्रयास नहीं किए जाते गंगा के ऊपर, तो आज गंगा की स्थिति क्या होती? दुनिया भर में जब नदी के ऐसे अशुद्धिकरण के प्रयास की चर्चा जब होती है, तो थेम्स हो, राइन हो या डेन्यूब हो, जो लक्ष्य उन्होंने 30 साल में हासिल किया है, उस मुकाम तक लगभग हम पिछले 5 साल के कालखंड में पहुँचे। हमारी जो नदी है वो लिविंग रिवर है, उसके जैसी कहीं भी परिस्थिति नहीं होगी। देश की 40% आबादी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गंगा पर निर्भर है। मैं आज जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ, आज इतनी लंबाई की सर्वश्रेष्ठ 10 नदियों में हमारी गंगा भी एक है। पिछले 5 साल में इंटीग्रेटेड मैनर में हमने प्रयास किए, और न केवल गंगा की सहायक नदियाँ, चाहे यमुना होगी या यमुना की सेकेंड लेवल ट्रिब्यूटरीज होंगी, कोसी, रामगंगा, गंडक, इन सब पर हमने साथ में काम करना प्रारंभ किया, और आज उसी का परिणाम है कि हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि गंगा एक बहुत बड़े स्ट्रेच में आँख मीच करके आप आचमन कर सकते हैं, इस योग्य पानी बना है। बहुत खूब सर, बहुत खूबसूरत सर, थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। आगे देखूंगा हुमायूं का मकबरा, दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर का एक खूबसूरत, करूंगा सैर सुंदर नर्सरी के बागों में और जानूंगा उसका इतिहास। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में उठाऊंगा आनंद मन को मोहने वाली कव्वालियों का। इतिहास के कदमों के निशान ढूंढते ढूंढते अब मैं आ गया हूं इस लाल पत्थर से बने खूबसूरत मकबरे में, हुमायूं टूम्ब। ये बादशाह हुमायूं का मकबरा है, जिसे उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। दिल्ली के हर ऐतिहासिक स्थल को मैंने करीब से देखा, चाहे वो स्कूल ट्रिप हो या माँ बाप के साथ में वेकेशन ट्रिप, सिवाय एक स्थल के जो आज मैंने रग रग में गंगा की वजह से देख लिया। मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं टूम्ब की। यूनेस्को की चुनिंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से ये एक साइट है। अभी क्यों है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने साक्षात। मुगल आर्किटेक्चर के साथ चारबाग गार्डन का इतना खूबसूरत नमूना आपको और कहीं मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। दिल्ली के इतने रंग देखकर ही शायद गालिब ने कहा होगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से मैं जा रहा हूँ एक ऐसी साइट जिसे कुछ सालों पहले तक तो हम भुला चुके थे, लेकिन कुछ लोगों के प्रयासों की वजह से आज वो दोबारा अपनी बुलंदी पर है। सुंदर नर्सरी, सुंदर नर्सरी जो कि दिल्ली टूरिज्म मैप पर एक उभरता सितारा है।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। बाद में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ASI और CPWD ने इसे डेवलप किया। रतिश, क्या कमाल किया है आपने, मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो लोग बोलते हैं सुंदर नर्सरी का, तो लेट्स टेल द व्यूअर्स कि क्या था और क्या बन गया। तो सुंदर नर्सरी की कहानी 14वीं शताब्दी में शुरू होती है। यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहे, उनका यहाँ दफन हुआ। उसके बाद से हर इम्पोर्टेंट राजा नोबल यहाँ दफन होना चाहा, अपना मकबरा बनाना चाहा। तो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में यहाँ कई मकबरे ऐसे बने और बिल्कुल चार दीवारी में, बागों के बीच में, जहाँ आज हम खड़े हैं उससे कुछ 100 मीटर दूर तक यमुना नदी बह रही थी, और ये सारा नदी का लैंडस्केप है। अभी तो कल्पना करना भी मुश्किल होगा, मतलब आज की जनरेशन को, कि यहाँ पे कभी नदी बहती थी। जी, कहाँ गई नदी? 1960s तक ऐसी हमारे पास तस्वीरें हैं जो नदी बिल्कुल हुमायूं टूम को टच करती है। पता, ये अभी तो मतलब कल्पना से बाहर है। खैर, ये बताओ कि ये ख्याल आए कहाँ से इसको रेस्टोर करने का? वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब 1993 में डेजिग्नेट हुई तो यूनेस्को इकोमॉस ने हमारे को आदेश दिया गया कि गार्डन को रेस्टोर किया। तो पहले हुमायूं टूम के गार्डन रेस्टोर किए, उनमें पानी वापस रेस्टोर किया, और इधर हमने करीब 300 तरीके के पेड़ लगाए हैं, तो एक दिल्ली का एक ट्री म्यूजियम भी बन गया है, और 20 मॉन्यूमेंट हैं सुंदर नर्सरी में, विच और 90 एकड़ की जगह है, एंड चाहे 10,000 लोग भी आए तब भी आपको एक ऐसा कोना मिल जाएगा जो पानी के तट पे आप आराम से बैठ के किताब पढ़ पाए। लवली, हैट्स ऑफ योर एफर्ट। मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ जगह को। इस बगीचे में मुगल काल की 6 इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुना गया है। यहाँ आना और इन खूबसूरत नजारों को देखना दिन का सबसे दिलकश एहसास है। अगर कभी सुकून में आपको आप मिल जाए तो बातें जरूर कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत दिलचस्प होंगे। निजामुद्दीन दरगाह, सूफी दरवेश हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस दरगाह का महत्व इतना है कि यहां हर दिन हजारों लोग अपनी ख्वाहिशों को दिल में लिए सजदा करने आते हैं। ये वो दर है कि यहाँ पर जो है माशाल्लाह किस्मतें बदलती हैं। छाप तिलक सब लेनी रे मुझसे नई ना लड़ाई के, आमिर खुसरो के कलाम और हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दोनों आपस में घुले मिले हैं। आमिर खुसरो की इसी मोहब्बत और गुरु भक्ति की वजह से उनके इंतकाल के बाद उन्हें भी यहां दफनाया गया। आज भी पूरी दुनिया में खुसरो का कलाम औलिया साहिब को याद करके बड़े चाव से सुना जाता है। कितना खूबसूरत है हमारा देश। हमारा देश इकलौता ऐसा देश होगा जहां जितनी शिद्दत के साथ में दिवाली मनाई जाती है, उतनी ही गर्मजोशी के साथ में ईद भी मनाई जाती है। ऐसा कौन है जिसने कभी गुरुद्वारे का प्रसाद ना चखा हो, या क्रिसमस में अपने सेंटा क्लॉज को ना ढूंढा हो। हमारी विविधता हमें पूरे विश्व में एक अलग पहचान देती है। हम विविध प्रांतों के लोग, विविध धर्मों के लोग सदियों से एक ही छत के नीचे साथ जीते आए हैं, भारतवर्ष की छत। हमारी विविधता हमारी ताकत है। मैं चलता हूं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि हम कभी अपनी एकता को बिखरने नहीं देंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम कभी मैं नहीं बनेंगे, हम हमेशा हम रहेंगे। गुड नाइट, शबा खैर।